हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको सैमसंग B312E की चार्जिंग बनाना बताएंगे। जी हाँ दोस्तों, जब हम अपने फ़ोन में चार्जर कनेक्ट कराते हैं तो हमारे फ़ोन में चार्जर कनेक्ट करने के बाद वोल्टेज हाई बता देता है और जिससे चार्जिंग बंद हो जाती है, या फिर हमारे फ़ोन में बैटरी जो है वो बिल्कुल लो से तुरंत चार्ज हो जाती है, जैसे कि इस तरह फ़ोन में ये दिख रहा है इस तरह से। तो जब ये इस तरह से वोल्टेज हाई हो जाता है तो उसे किस तरह से बनाते हैं, आज हम ये आपको बताएंगे। इससे पहले अगर आप सभी ने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि सबसे पहले आप मेरा वीडियो देखें। हिंदी नियर टेक्नोलॉजी चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, इस तरह इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए ये देखिए, यहाँ पर जो ये कंपोनेंट्स लगा हुआ है इसे हम रिप्लेस करते हैं अगर ख़राब हो गया है, नहीं तो पहले इसे हम हीट करके देखते हैं कि हीट करने से भी ये अगर एक एक दो लेग अगर इसके उखड़े होंगे तो वो ठीक से रिपेयर हो जाएंगे और हमारी चार्जिंग जो है वो फिर से चलने लगेगी। और अगर उससे भी नहीं होता है तो इसको हमको रिप्लेस करना पड़ेगा, इसे निकाल कर दूसरा डालना होगा। इसलिए चलते हैं, इसे पहले हम हीट करके देख लेते हैं कि हीट करने से ये काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा। अगर कर रहा है तो ठीक है, और अगर काम नहीं कर रहा है तो हम इसे रिप्लेस करके दूसरा डालते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये जो यहाँ पे ये काला काला कैपेसिटर लगा हुआ है इसे हमने हीट किया है। हीट करने से अगर इसका काम बनता है तो फिर ठीक है, नहीं तो इसे हम अभी रिप्लेस करेंगे। जब इसमें हम चार्जर कनेक्ट करते थे तो ये एक पॉइंट से डायरेक्ट पूरी बैटरी फुल हो जाती थी और वोल्टेज हाई बता देता था, इसलिए हमने इसको हीट किया है। अब देखते हैं ये अभी एक पॉइंट से डायरेक्ट फुल हो जाती है या फिर चार्जिंग चल रही है। अगर चार्जिंग होने लगती है तो फिर ठीक है, यानी कि हमारा मोबाइल जो है वो बन चुका है। ये देखिए दोस्तों, हमारे फ़ोन में जो है चार्जिंग चल रही है। इसी तरह से आपको भी बनाना। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब।